माधव अपने माता पिता के साथ सनीरपुर गांव में रहता था। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। माधव बचपन से ही बड़ा आज्ञाकारी और मेहनती लड़का था। साथ ही साथ वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसका वर्ताव बदलने लगा। अब वो ना तो पहले की तरह मेहनत करता और ना ही अपने माँ बाप की सुनता। यहाँ तक कि वो घर वालों से झूठ बोलकर भी पैसे लेने लगा। उसका बदला हुआ आचरण सभी के लिए चिंता का विषय था। उसके पिता ने जब इसकी वजह जानने की कोशिश की तो पता लगा कि माधव कुछ बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया है। उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए हैं जो फिजूल खर्ची करने में और बुरी आदतों में आगे हैं। इस बात की भनक लगते ही माधव के पिता ने उसे ऐसे दोस्तों से दूर रहने की बात कही, लेकिन माधव पर इन बातों का कोई असर नहीं था। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे अच्छे बुरे की समझ है, मैं भले ही ऐसे लड़कों के साथ रहता हूँ जिनमें कुछ गलत आदतें हैं, लेकिन मुझ पर उनका कोई भी असर नहीं होता। माधव के पिता दुखी थे कि उनके समझाने पर भी बेटे पर कोई असर नहीं हो रहा। खैर, इसी तरह दिन बीतने लगे और धीरे धीरे माधव की परीक्षाएं भी आ गईं। माधव ने परीक्षा से ठीक पहले कुछ मेहनत की, परंतु वो पर्याप्त नहीं थी। वो एक विषय में फेल हो गया। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने वाले माधव के लिए ये किसी जोरदार झटके से कम नहीं था। वो बिल्कुल टूट सा गया। अब उसने घर से निकलना और लोगों से बात करना भी बंद कर दिया। बस दिन रात अपने कमरे में पड़ा रहता और कुछ सोचता रहता। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माँ बाप को चिंता होने लगी। माधव की माँ ने माधव से बात की और कहा कि बेटा, अब जो हो चुका है तुम उसे भूल जाओ और आगे की पढ़ाई पर ध्यान दो। परंतु माधव को तो मानो सांप सूंघ चुका था। वो किसी भी बात का जवाब ही नहीं देता था। असल में माधव फेल होने के दुख से उबर ही नहीं पा रहा था। माधव के माँ बाप को लगने लगा कि कहीं उनका बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। तब किसी ने सलाह दी कि उसे कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह भेज दिया जाए। जब माहौल और हवा पानी बदलेगा तो माधव का मन भी इस सदमे से उभर जाएगा। माधव के माँ बाप को ये बात सही लगी, परंतु माधव को कहाँ भेजा जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। तब माधव की माँ ने कहा, सुनो जी, मेरी मानो तो माधव को कुछ दिन के लिए उसके मामा के घर भेज देते हैं, क्योंकि माधव अपने मामा का खूब लाडला है। मामा भांजा कुछ दिन साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। माधव के पिता को ये बात सही लगी। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मामा के यहाँ घूम आओ। इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा और इसी बहाने मैं भी उनसे मिल लूँगा। माधव ने सिर्फ दो शब्द ही कहे, जी पिताजी। अगली सुबह वो दोनों माधव के मामा के घर के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था। माधव ने पूरे रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोला। शाम ढलते ढलते वो दोनों मामा जी के घर पहुंच गए। यूं अचानक उन दोनों को देखकर मामा जी तो बहुत हैरान हुए, पर इतने दिनों बाद अपने प्यारे भांजे से मिलकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन दोनों को जलपान करवाने के बाद मामा जी ने महसूस किया कि माधव कुछ गुमसुम सा लग रहा था। जब माधव के पिता से उन्हें इसका कारण पता चला तो वो बोले, अरे माधव, छोड़ो तुम उस बात को, हम उस बारे में बात ही नहीं करने वाले। चलो, अभी रात हो गई है और हम सब आराम कर लेते हैं, सुबह उठकर बहुत सारी गप्पे लड़ाएंगे। अगले दिन भी माधव गुमसुम सा ही रहा। सर्दियों के दिन थे और शाम ढलते ढलते ठंड बढ़ने लगी।
माधव ने देखा कि उसके मामा बाहर अंगीठी ताप रहे थे। माधव भी वहां चला गया। माधव बिल्कुल चुपचाप था और उसके मामा भी कुछ नहीं बोले। 10-15 मिनट बीत गए लेकिन किसी ने एक शब्द भी ना कहा। फिर अचानक मामा जी ने चिमटे से एक कोयले का धधकता हुआ टुकड़ा उठाया और निकाल कर जमीन में डाल दिया। वो टुकड़ा कुछ देर तो गर्मी देता रहा परंतु फिर ठंडा पड़ बुझ गया। ये देखकर माधव ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, मामा जी आपने उस कोयले के टुकड़े को मिट्टी में क्यों डाल दिया? ऐसे तो ये बेकार हो गया। अगर आप इसे अंगीठी में ही रहने देते तो बाकी टुकड़ों की तरह वो भी गर्मी देने के काम आता। मामा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा कुछ देर अंगीठी से बाहर रहने से ये टुकड़ा बेकार नहीं हुआ। लो अभी मैं इसे दोबारा से अंगीठी में डाल देता हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने वो कोयले का टुकड़ा वापस अंगीठी में डाल दिया। अंगीठी में जाते ही कोयले का टुकड़ा वापस धधक कर जलने लगा और फिर से गर्मी देने लगा। मामा जी बोले, कुछ समझे माधव? तुम उस कोयले के टुकड़े के समान ही तो हो। पहले जब तुम अच्छी संगति में थे तो मेहनत करते थे, माता पिता का कहना भी मानते थे और अच्छे नंबरों से पास होते थे। पर जैसे वो कोयला कुछ देर के लिए मिट्टी में चला गया और बुझ गया, तुम भी गलत संगति में पड़ गए, जिसका नतीजा ये रहा कि तुम फेल हो गए। पर यहाँ जरूरी बात ये है कि एक बार फेल होने से तुम्हारे अंदर के वो सारे गुण खत्म नहीं हुए। जैसे कोयला कुछ देर मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद बेकार नहीं हुआ, अंगीठी में वापस आते ही वो धधक कर जलने लगा। ठीक उसी तरह तुम भी वापस अच्छी संगति में जाकर और मेहनत करके एक बार फिर से अच्छे नंबर ला सकते हो। मामा जी ने आगे कहा, याद रखो मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है। उसके अंदर बड़ी से बड़ी हार को जीत में बदलने की ताकत है। तुम उस ताकत को पहचानो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। माधव अब समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो मुस्कुराया और मामा जी के गले लग गया। इतने दिनों बाद माधव के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके पिता और मामा समझ गए कि माधव को अब सही रास्ता मिल चुका है। कुछ दिन मामा के पास रहकर माधव वापस अपने घर लौट गया और उसने अपने गलत दोस्तों की संगति छोड़ दी। अपनी पढ़ाई पर वो पूरा ध्यान देने लगा। अब उसके माता पिता की सब चिंताएं दूर हो चुकी थीं। अगली परीक्षाओं में माधव फिर से अच्छे नंबरों से पास हुआ और जीवन में आगे बढ़ने लगा। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।